Hello students, today in this session, that is the 9th CBSE, I am going to start the next topic of the chapter motion, that is speed, velocity and acceleration. Actually, in the previous lectures, we have discussed the types of physical quantities and distance and displacement in detail. Now here, from the same chapter, next topic is speed, velocity and acceleration. Okay, so be ready with notebook and pen and watch this video. Okay, motion. It's the 8th chapter of 9th CBSE. Motion. Now, the topic here today is speed. Today we will discuss speed, types of speed, velocity, types of velocity, acceleration and types of acceleration. Means we will discuss these three topics in today's lecture. Okay, now first topic is speed and types of speed. So, children, we discussed types of physical quantities and we have derived on the basis of direction. For some quantities, direction is compulsory and for some only magnitude. Means कुछ क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड एंड फॉर सम अदर क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन. तो यहां पर भी देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी दीज टू आर द क्वांटिटीज जो लगते सेम है बट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है. मीन्स इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए. कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड. ओनली बाय मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. एंड वहीं पे जो वेलोसिटी है ये क्या है? दिस इज वेक्टर. इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए. ये दोनों जरूरी हैं. आप ऐसा भी कह सकते हो कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. आप ऐसा भी ले सकते हैं मॉड. इसको बोलते हैं मॉड. जो लाइन हमने दो ड्रॉ किया उसके बीच में लिखा है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी लिखा है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. इसको आप ऐसा लिख सकते हो. ऐसा लिखने का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेलोसिटी. मतलब क्या हो गया? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि बोल दिया कि अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट. कार की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आर ड्यू ईस्ट. ऐसा हमने बोल दिया. तो ये तो बता रहे हैं कि क्या ये कितनी है, किस स्पीड से चल रही है वो. और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन. तो ये जो है दिस इज द एक्चुअली मैग्नीट्यूड.
इट इज मैग्नीट्यूड, इट इज यूनिट, इट इज डायरेक्शन. तो ये जो पार्ट है ये है स्पीड, ये है डायरेक्शन, और ये पूरा मिल गया तो क्या हो गया, वेलोसिटी. तो यहां से हमको एक चीज और आप ले सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड प्लस डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. आइए अब डिफाइन करते हैं कि स्पीड होती क्या है और स्पीड कितने टाइप की होती है. चलिए स्पेशली हम लोग बात करते हैं स्पीड की. एक्चुअली स्पीड इज चिल्ड्रेन, इट इज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम. स्पीड को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम. एंड व्हेन पोजीशन चेंजेस, मूविंग ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस. तो मैथमेटिकली इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड. आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, रेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन सेकेंड. सेकेंड क्यों बोला, क्योंकि हमें किसके रेस्पेक्ट में काम करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में. मीन्स एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्पीड. तो आप इसको भी कह सकते हो कि यू कैन डिफाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम मतलब वन सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड. इज कॉल्ड स्पीड. तो ये चीजें आप इस तरह से, कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि स्पीड एक्चुअली होती क्या है. नाउ सी, टेक एन एग्जांपल, एंड ऑब्जेक्ट इज हियर, अ व्हीकल है, कार ट्रक कुछ भी, इज एट पॉइंट ए, एंड आफ्टर 5 सेकेंड दिस ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट बी. कितना, 5 सेकेंड. मान लेते हैं ए सी बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, 25 मीटर. 25 मीटर, मीन्स 25 मीटर को कवर करने में व्हीकल इज टेकिंग 5 सेकेंड. ओके, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, दिस वन यूनिट टाइम. ओके, तो यहां पे जो स्पीड होती है, स्पीड है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम. 25 मीटर इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड कवर्स 25 मीटर, देन व्हाट अबाउट इन 1 सेकेंड, 25/5, दिस इज व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड. मीन्स 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है. मीन्स ये स्पीड है, ये टर्म यूज किया है, इट टेल्स अबाउट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट दैट हाउ मच डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट कवर्स इन 1 सेकेंड.
how much distance that object is covering in 1 minute or in 1 hour. Unit time में कितना distance cover कर रहा है, it is given by the term speed. Okay, this is upon time. ये हमने एक specific example लिया. In general, अगर ऐसा हुआ, in general कि A से B तक जाने में टाइम लगता है T और डिस्टेंस कवर किया S. कुछ बुक्स में डिस्टेंस को D से दिखाया है, बट हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, S से दिखा रहे हैं. तो जो स्पीड हो जाएगी दैट इज S बाई T. S बाई T डिस्टेंस अपॉन टाइम. और स्पीड को जनरली हम दिखाते हैं V से, इज इक्वल टू S by T. स्पीड को हम इन जनरल आइदर U और V से दिखाते हैं. एक्चुअली U इज टेकन एज इनिशियल स्पीड एंड V एज फाइनल स्पीड, बट यहां पे हमने लिखा है V इज इक्वल टू S by T इज ऑल्सो करेक्ट. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नो डाउट टिल हियर. देन वी डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्पीड. ओके, तो हमने सीख लिया कि जो स्पीड है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड क्या है, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, तो हमने देखा दिस इज इक्वल टू एस बाई टी. एस बाई, अब इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है डिस्टेंस मीटर, नीचे क्या है सेकेंड. तो इसको आप बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. अदर यूनिट्स क्या है इसके, अदर यूनिट्स आप बोल सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप बोल सकते हो किलोमीटर पर आर. दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड, बट एसआई यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड. आइए देखते हैं कन्वर्जन क्या होता है. 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. 5/18 मीटर पर सेकेंड. यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, 500/18 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बट एसआई यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड. These are the units of speed. Some more important characteristics are, first thing, speed is only magnitude. Is only magnitude. It means what? Speed can only be positive. It cannot be negative or cannot be zero. Zero क्यों नहीं, बिकॉज स्पीड हम तब कैलकुलेट करते हैं when object is in motion. Object motion में है ही नहीं तो हम ये find ही नहीं करेंगे. Means speed comes only when object is in moving situation. तो speed can neither be zero nor negative. It is only positive. Speed क्या होती है, only पॉजिटिव होती है. ये न तो जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा. ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड की.
types of speed. Speed is distance covered in 1 second. But if you are on road, आप देखेंगे सम व्हीकल्स आर मूविंग विद हाई स्पीड एंड देयर इज नो चेंज इन स्पीड. बट सपोज आप कहीं पे हो जहां पे बहुत क्राउड है, तो जिस स्पीड से व्हीकल चल रहा है वो ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्लो होता है, फास्ट होता है. तो इस बेस पे वी कैन कैटेगराइज टाइप्स ऑफ स्पीड इन डिफरेंट कैटेगरीज. एंड फर्स्ट कैटेगरी इज यूनिफॉर्म स्पीड. क्या है यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सेम. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड ड्यूरिंग मोशन देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. आप इसको सिंपल बोल सकते हो मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड. कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. इसको आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इफ एनी व्हीकल इफ इक्वल डिस्टेंस is covered in equal time interval. If equal distances are covered, if equal distances are covered in equal time intervals, तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने का जो क्राइटेरिया है वो चेंज ना हो. मीन्स एक घंटे में 40 मीटर, नेक्स्ट 1 आवर 40 मीटर, नेक्स्ट 1 आवर 40 मीटर, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. सपोज एनी व्हीकल इज मूविंग एंड इट्स स्पीड डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, तो क्या हो गया? इज दैट यूनिफॉर्म? नो, इंक्रीजिंग, नॉट यूनिफॉर्म. बिकॉज इसमें क्या है, हर सेकेंड में इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग सेम डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. एग्जाम्पल दे दीजिए, ए बी सी डी. I have taken 5 stations and sab ke sab they are at 10 kilometer distance. Aisa humne assume kiya hua hai. 10 kilometer. Okay? Ab ye 10 kilometer A se B tak jaane mein maan lete hain jo vehicle move kar raha hai, that vehicle is taking 15 minutes from A to B. From A to C, 13 minutes. From A to D, 45 minutes. And A to E, 1 hour. This is the example of uniform speed. See, this one 15 minute. From here till here 30 minute. यहां तक 15 है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? 15 मिनट. 10 किलोमीटर 15 मिनट. फिर यहां से यहां तक देखिए 30 किलोमीटर इन 45 मिनट. मीन्स इन 15 मिनट क्या होगा? 10 किलोमीटर. मीन्स जो एग्जाम्पल लिया है इन दिस, इन फिक्स टाइम इंटरवल ऑब्जेक्ट कवर्स एक equal distances, that's why this is an example of uniform speed. Uniform speed. अगर हम बात करें clock की, clock has 3 hands, minute hand, second hand and hour hand. जो second hand है
that covers one round every time in 60 seconds. Every time in 60 seconds. Minute hand covers one round in 60 minutes. And hour hand covers one round in 1 hour. मीन्स जितने भी हैंड है वो एक राउंड लेने में सेम टाइम लेते हैं. सेकंड चाहे जितनी बार घूमेगा बट इट विल टेक सेम टाइम फॉर वन राउंड. मिनट हैंड विल टेक सेम टाइम फॉर वन राउंड. आर हैंड विल टेक वन राउंड सेम टाइम फॉर वन राउंड. अर्थ एक चक्कर लगाती है सन का. कभी भी लगाए अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि दे अर्थ टेक्स सेम टाइम for one complete revolution around the sun and also on its axis. तो ये क्या है सब? These are the examples of uniform speed. Uniform speed. Okay. Now, ये हो गया uniform speed. Now next is इसका उल्टा non-uniform speed. Second type is non-uniform speed, means motion with variable speed. Actually, इसको हम variable speed भी बोल सकते हैं non-uniform को. And for uniform के लिए हम constant speed भी बोल सकते हैं. If object is moving with different speeds, means after some time it applies brake, then accelerates, फिर brake, फिर accelerates, means उसकी speed change हो रही है, that is called non-uniform speed. Means वो अलग-अलग time में अलग-अलग distance cover कर रहा है. If object covers unequal distances, different distances in unequal time, then the speed of that vehicle is called non-uniform speed. Or you can say that object is moving non-uniformly. Unequal distance. Distances are covered in equal time interval then speed is called non-uniform. आप इसको कई तरह डिफाइन कर सकते हो और variable speed. Suppose a car is moving and it covers first kilometer in 5 seconds. First kilometer. Then next 1 kilometer it covers in 7 seconds. Next 1 kilometer it covers in 25 seconds. Distance हमने same लिया. But same distance है. It is covered in different time intervals. Speed is variable. Okay. Suppose ऐसा भी हो गया. कि फर्स्ट 1 किलोमीटर इन हाफ एन आवर. ओके बट इन नेक्स्ट हाफ एन आवर में इट कवर्स 5 किलोमीटर. इन नेक्स्ट हाफ एन आवर इट कवर्स 3 किलोमीटर. यहां पे आई हैव टेकन सेम टाइम इंटरवल बट सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस कवर्ड आर डिफरेंट. वंस अगेन वेरिएबल. मींस अगर दोनों सेम नहीं है टाइम के साथ डिस्टेंस और टाइम इफ बोथ आर नॉट सेम दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. एंड इन जनरल लाइफ व्हाट एवर यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द रोड व्हीकल्स कार ट्रक ट्रेन साइकिल एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज रोड पे ब्रेकर होते हैं क्राउड होती है तो स्पीड को चेंज करना पड़ता है. That's why normal life में जो स्पीड होती है वो कैसी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड होती है. ओके नोट डाउन दिस एंड ऑल्सो इफ इट इज आस्क्ड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल देन आपको एक डायग्राम
ड्रॉ करना पड़ेगा. टेक अ लाइन एंड टेक डिफरेंट डिस्टेंसेस लाइक दिस. एग्जांपल हम ले देते हैं ए टू बी 2 किलोमीटर, बी टू सी 5 किलोमीटर. व्हीकल टेक्स फ्रॉम हियर टू हियर 30 मिनट एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट टेक्स अगेन 30 मिनट. सेम डिस्टेंस सेम टाइम बट डिस्टेंसेस आर नॉट सेम. ओके नोट कीजिए. एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द एग्जांपल ऑन द थर्ड टाइप ऑफ स्पीड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइप इज ओनली ड्यू टू वेरिएबल स्पीड. मींस अगर सपोज कोई व्हीकल मूव कर रहा है एंड दैट व्हीकल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है मीन्स एवरी सेकेंड में वो फिक्स टाइम फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप आराम से आप कर दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन वो अगर हर सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकेंड में कुछ और अगले सेकेंड में कुछ और उसको क्या बोलेंगे वेरिएबल. अगर ऐसा है तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट हाउ यू विल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. उसके लिए यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट है थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एवरेज. एवरेज स्पीड और मीन स्पीड स्पीड है क्या ये एवरेज कैसे फाइंड करते हैं. दिस इज द स्पीड कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीट मोशन. फॉर कंप्लीट मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स दैट कंप्लीट मोशन विथ वेरिएबल स्पीड. ठीक है हम इसको कब कैलकुलेट करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल स्पीड. स्पीड्स तब कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का. ठीक है मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ये है P, ये डिस्टेंस है S1 और टाइम लिया T1 Q तक आ गए. ये हो गया R, डिस्टेंस इज S2 एंड टाइम टेकन इज T2. ओके फिर यहां पे T आ गए, डिस्टेंस इज S3 एंड टाइम इज T3. मीन्स अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए हैं. तो अगर P से Q तक की बात करें देन व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम यहां पे क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3 दिस इज द टोटल डिस्टेंस. अपॉन टाइम T1 T2 प्लस T3 दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज और मीन स्पीड. एंड ये तभी कैलकुलेट करते हैं जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो. अदरवाइज सपोज यहां से यहां गया स्पीड कांस्टेंट है 25 मीटर पर सेकेंड. ओके मींस इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इफ ऑब्जेक्ट का मोशन इज यूनिफॉर्म दैट टाइम
एवरेज स्पीड इज द सेम एज दैट यूनिफॉर्म स्पीड. मीन्स अगर पी से क्यू तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है एंड इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, क्या 40 किलोमीटर पर आवर, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक कॉन्स्टेंट है, देन यहां से यहां तक का जो मोशन होगा दैट इज वॉट यूनिफॉर्म मोशन. एंड इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड इज सेम एज द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, इसको हम सेंटेंस में लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे. चलिए, ये होता कब के लिए, जब वेरिएबल हो. ये इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड ऑफ द मोशन इज द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और ये यूनिफॉर्म है, मतलब नॉट चेंजिंग. अगर ऐसा है तो v एवरेज भी क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म में. ओके, वेरिएबल में तो आपको सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, टाइम फाइंड करना होगा, डिवाइड करना होगा, देन यू विल गेट एवरेज स्पीड. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड इज आइदर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज. यूनिट हमेशा क्या रहेगा, एसआई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर. हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज. एक चीज और देख लेते हैं, इसका नाम बाद में लिखता हूं. सपोज मैं बात करता हूं, ए स्टार्ट किया और गए बी तक. दिस इज द पाथ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. व्हीकल व्हेन स्टार्ट फ्रॉम हियर एट ए, लेट इट इज 10 AM, कितना हो गया 10 AM, और जब बी पे पहुंचता है लेट इट इज 11 AM. 11 AM मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म. कैसा है, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब मान लेते हैं इट इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड जा रहा है. यूनिफॉर्म मतलब क्या है, हर जगह पे उसकी स्पीड क्या होगी, सेम. अगर ऐसा है तो मैं पूछ दूं कि 10 पे उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 होगी भाई, क्योंकि यूनिफॉर्म है. अगर आपसे पूछ दिया 10:29 AM पे स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी. 10:59 AM पे स्पीड कितनी होगी उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर. मीन्स एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द मोशन, हर जगह पे स्पीड कितनी होगी, 40 होगी. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स हर मोमेंट पे, हर सेकेंड पे, हर इंस्टेंट पे जो स्पीड है कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अगर मैं यही ए से चलूं और बी तक जाऊं, बट केस लिया है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हर जगह बदल रही स्पीड, मतलब यहां से यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, अलग अलग पॉइंट पे स्पीड क्या है, अलग अलग है. तो यहां पे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड है दैट इज वेरी रेलिवेंट एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज
जो भी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम एज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड बट जब हर जगह बदल रही है तब दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं डिफाइन करूंगा कि एक्चुअली ये होता क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड दैट इज ड्यूरिंग वेरिएबल मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हीकल एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग वेरिएबल मोशन स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. मीन्स स्पीड ड्यूरिंग द मोशन स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. मतलब क्या हुआ, सबको जब स्कूल जा रहे हो स्टार्टिंग में आपका टाइम है यू आर मूविंग स्लोली बट अचानक देखा कि टाइम इज वेरी लेस अब तक चलना शुरू कर दिए तो चले आप 7 बजे पहुंचते हैं 7:30 को बट दिस टोटल मोशन इज कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स. तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वाज योर स्पीड एट 7:11 जबकि आपका मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो फाइंड करते हैं स्पीड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके चलिए, मीन्स स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर मोमेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके लिए एक्चुअली मान लेते हैं कि हमको यहां पे फाइंड करना है यहां पे दिस वन आई डोंट नो टाइम क्या है पर टाइम है बहुत छोटा. हमको मानना है 1 सेकेंड. क्या मानना है 1 सेकेंड. मान लेते हैं इस टाइम को मैं डेल्टा टी मान लेता हूं. डेल्टा मीन्स व्हाट डिफरेंस बट ये डिफरेंस बहुत कम है और यहां पे मान लेते हैं डेल्टा एस. ठीक है, अच्छा एक चीज को हम चेंज करके डेल्टा ना लिख करके डी लिख देते हैं डीएस डीटी. आप इस लेवल पे इतना समझो कि डीटी एंड डीएस दीज टू आर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस एंड वेरी स्मॉल टाइम वेरियंस बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. देन इस टाइम पे वी आई मतलब व्हाट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डीएस अपॉन डीटी. आपने देखा होगा कि व्हीकल में लगा होता है स्पीडोमीटर. आपने जब एक्सेलरेट किया तो कांटा क्या होता है बढ़ता है फिर छोड़ दिया तो कम होता है. जो स्पीडोमीटर होता है दैट स्पीडोमीटर टेल्स अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड किस टाइम पे कितनी स्पीड है. स्पीडोमीटर जो लगा होता है व्हीकल में टेल्स अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग मोशन. Okay, children, means abhi in this session I have learned, we have discussed about the speed, its greater quantity, distance covered in unit time, and its time. Next continuation mein we'll discuss velocity and acceleration. Okay, learn till here, write and read the notes, and wherever you are getting doubt, you can write in comment box. Okay, thank you.